थैंक यू सो मच. अच्छा लगा आपसे मिलके. थैंक यू. कितनी लाइफ कितनी चेंज हो चुकी है आफ्टर बिग बॉस के बाद. डेफिनेटली चेंज हुई है एंड इट्स चेंज्ड फॉर गुड. लॉट ऑफ आईबॉल्स आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल नाउ. काफ़ी जगह पे जाती हूँ लोग पहचानते हैं या ऑडिशंस के लिए ज़्यादा कॉल्स आते हैं. सो आई थिंक एवरीथिंग इज ऑन द पॉजिटिव साइड. तकरीबन किस तरह के किस तरह की प्रोजेक्ट के लिए आपको ऑफर आ रहे हैं आने वाले दिनों में. हम किस तरह की फिल्में देखेंगे आपको या सीरीज शॉर्ट मूवी एनीथिंग. I don't know, sir, ki what is stored in for me because I'm just you know meeting people or giving auditions and all of that. Abhi as such kuch finalize nahi hua because I don't know how many of you know, but jab tak Big Boss chal raha hai, I can't pick up any project because that's the contract that I am in. Oh. So, but yeah, hopefully something nice. इसका मतलब ये है कि हम आपको शायद बिग बॉस के घर में अगेन देखेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको बुला सकते हैं. नहीं सर, मुझे लगता है अभी बहुत लेट हो गया है. नाउ आई थिंक द शो इज जस्ट अबाउट टू एंड एनी टाइम सून. आई डोंट नो कितने हफ्ते बचे हैं बट आई थिंक इट्स यू नो टूवर्ड्स द एंड. तो अभी जाने का कोई मतलब नहीं है एंड आई डोंट थिंक नाउ मेकर्स आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ एनी वाइल्ड कार्ड्स. बट आई लव टू गो एज अ यू नो गेस्ट इन द शो. I don't know what's happening क्योंकि मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा है. But my favorites are Karan, Umar and Tejaswi and I'm rooting and supporting for them. तो आप मानती हैं करण जीतेंगे इस बार का बिग बॉस? तीनों में से कोई भी आई थिंक तीनों काबिल हैं. और कुछ फाइटें भी हो रही हैं बिग बॉस के घर, उसे कैसे देखती हैं? लड़ाई झगड़े तो ऑब्वियस होंगे क्योंकि जब 10 अलग दिमाग आएंगे तो लड़ाई झगड़े तो होंगे बिकॉज हर किसी को अपना पॉइंट प्रूफ करना है एंड हर किसी को यू नो वो बिलीव करवाना है लोगों को जो वो मानते हैं सच है. तो आई थिंक व्हेन देर आर 10 माइंड्स दिस इज़ वेरी नॉर्मल टू हैपन लड़ाई झगड़े. सो दैट्स द शो. शाकिर कौन है लाइक बिग बॉस के घर में कि ये बहुत अच्छा यहाँ भी है वहाँ भी सब कुछ बहुत अच्छा ऐसे बहुत ही शाकिर है? बट आई सेड इन अ गुड वे. आई डोंट से इट कि ये डबल ढोल की है. नो आई एम सेइंग इन अ एक्सट्रीमली गुड वे. लाइक आई वुड से द माइंड गेम लाइक इन अ गुड वे. आई थिंक करण आई थिंक ही इज फ्रेंड्स विद एवरीबडी एंड देन ही इज एक्सट्रीमली लॉयल टू द पीपल जो उसके हैं. लेकिन उसके अलावा भी ऐसे नहीं कि वो दुश्मनी लेकर बैठे हैं औरों के साथ. सोचती हैं कि ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, I think ये विनर भी हो जाएंगे. आपके अनुसार विनर? Like I just said ना कि ये तीनों में से कोई भी नहीं. Alright, Christmas भी है तो अगर आप बता सकें कि Christmas की क्या कुछ planning होती है विधि जी की तरफ से and क्या कुछ इस बार क्या कुछ planning है Christmas के? Lately तो नहीं as such मनाया है मैंने Christmas, but this Christmas I am traveling somewhere. तो देखते हैं मतलब मेरा क्रिसमस कैसा होता है कि बट वेयर आई एम गोइंग वहाँ पे बहुत ठंड होने वाली है एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट एटमॉस्फेयर. आई थिंक डिसम्बर एंड विंटर्स सॉरी डिसम्बर एंड क्रिसमस ऑल अबाउट विंटर्स. तो वो फील मुझे मिलेगी एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ग्रेट बिकॉज इट्स गोइंग टू बी होमली. इट्स गोइंग आई एम गोइंग टू बी एट होम एंड न्यू ईयर्स तो मैं एक्चुअली बॉम्बे में अपने घर में हूँ अपने फैमिली के साथ. तो आई थिंक कोविड के केसेस भी वापस बढ़ रहे हैं तो आई थिंक वी शुड बी अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल एंड हमें हम जहाँ भी जा रहे हैं जो भी कर रहे हैं आई थिंक वी शुड नॉट फॉरगेट टू कीप आवर मास्क अप व्हेनेवर वी कैन एंड जो भी जो दूसरे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमें सबको पता है हम 2 साल से वो फॉलो कर रहे हैं. सो आई थिंक वी जस्ट हैव टू यू नो टाई आवर शू लेज अ लिटिल मोर टाइटली. सो ऐसी कोई मेमोरी होती है विधि जी की क्रिसमस से रिलेटेड बचपन की या जो आपके लिए काफ़ी मेमोरेबल है? मैं जब छोटी थी तो मैं नाना के घर जाती थी एंड एक्चुअली क्रिसमस ट्री सजाती थी एंड आई डोंट नो कितनों को पता है बट लाइक आई मीन सबको ही पता होगा कि हम एक चिट्ठी लिखते थे और बेड के नीचे रखते थे और हमें कहते थे कि सेंटा आएगा और वो गिफ्ट आपको देगा. तो एक्चुअली मैं चिट्ठी लिखती थी जो भी मुझे चाहिए होता था और मैं अपने बेड के नीचे रखती थी एंड एक्चुअली अगले दिन मेरे पास वो सारी चीज़ें होती थी. बड़े होने के बाद पता चला कि वो सांता एक्चुअली मेरे नाना जी और मेरे मामा थे जो तो दैट वाज प्रीटी मेमोरेबल एंड दैट वाज आई थिंक द क्यूटेस्ट थिंग जो मेरे लिए कभी किसी ने किया. And, कोई ऐसा गिफ्ट आपके लिए जो क्रिसमस का
जो आपके लिए काफी नहीं, क्योंकि आई थिंक मैं फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड तक ये हरकतें चली चलती रही, फिर बड़ी हो गई और फिर पता चला कि कोई सांता नहीं होता. आपके लाइफ में कोई सांता होता है जो आपके लाइफ का सांता होता है. तो मैं तब तो वही मांगती थी, मतलब क्रेयॉन्स मांगती थी, पेंसिल का बॉक्स या टिफिन बॉक्स, या यही चीज़ें होती थी तब तो. तब एज सच कोई वो नहीं है. विदय जी, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एक एक्टर को काफी फिट रखना पड़ता है, अपने आप को फिट, तो फिटनेस मंत्रा क्या होता है विधि जी के अनुसार, विधि जी के लिए? मेरे लिए यही होता है कि वर्कआउट करें और हेल्दी खाना खाएं और वही डाइट फॉलो करें जो आपको लगता है आप ज़िंदगी भर फॉलो कर सकते हैं. क्योंकि अगर आप कोई लिक्विड डाइट या एक्सट्रीम सैलड डाइट पे जाएंगे तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप लाइफ टाइम नहीं कर सकते. तो आप वो डाइट को अपनाएं और अपनी बॉडी को आदत लगाएं जो आप रोज़ खाते, लाइक रोटी सब्जी दाल चावल, इज समथिंग आई हैव एवरी डे. तो मेरे डाइट में ये चीज़ें हैं, दैट इज़ वाई आई डोंट फील एनी डिफिकल्टी यू नो इन एक्चुअली फॉलोइंग अ प्रॉपर डाइट. तो या और ये सब कुछ कहेंगे आप जाते आते अपने फैंस के लिए, कि फैन? थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए. प्लीज़ ये प्यार और देते रहिए देते रहिए. आई लव द लव दैट यू गिव मी एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी मेरी मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू जी, थैंक यू. एक और